गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मधु स्टाइल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाले हूँ एक फ्लेक्स मुखिया आई मेकअप लुक। तो यहाँ जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने मेरा बेस जो है उसको कंप्लीट कर लिया है, बड़ी है आइज़ के। तो चलिए देखते हैं, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और पास में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं अपने आइज़ को प्राइम कर लूँगी। इसके लिए मैं यूज़ करूँगी ये कंसीलर स्विस ब्यूटी की तरफ से है। तो इसको मैं डायरेक्टली अपने आईलिड पे लगा लूँगी। उसके बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसे हम लोग अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। तो दोनों आईलिड को मैंने अच्छी तरह से प्राइम कर लिया है। अब ये फिटमी का कॉम्पैक्ट पाउडर है, मैं इसी से सेट कर लूँगी अपने आईलिड्स को। और थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर मैं अपने आँखों के नीचे भी अप्लाई कर लूँगी, क्योंकि जो कि हम लोग ब्लैक स्मोकी आई क्रिएट करने वाले हैं तो ब्लैक आई शेडो अप्लाई करेंगे तो वो फॉल आउट ज़रूर होगा। पहले अगर हम लोग पाउडर से इसको कवर करके रख देंगे तो बाद में डस्ट ऑफ करने में इजी हो जाएगा। अभी तो मेरा ये आईज़ का जो बेस है वो रेडी हो गया है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, ब्लैक कलर से थोड़ा सा थिक लाइन ड्रॉ करूँगी। तो मैं इसके लिए यूज़ कर रही हूँ फेसेस कनाडा का है काजल। इसे जो है मैं एक थिक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, मैं दोनों आईज पे इसे ड्रॉ कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने दोनों आईज पे लाइन ड्रॉ कर लिया है। आप लोगों को बहुत ही प्रिसाइज वाला लाइन ड्रॉ नहीं करना है, जैसे तैसे करने से भी होगा, क्योंकि इसको हम बाद में ब्लेंड भी तो करने वाले हैं ब्लैक आई शेडो के साथ। इसलिए तो ये हो गया, दोनों आईज में मैंने अच्छी तरह से लगा लिया। अब मैं क्या करूँगी, एक ऐसा फ्लैट शेडर ब्रश लूँगी एंड देन इसे अच्छी तरह से ब्लैक आई कलर को ब्लेंड करूँगी, इस काजल को ब्लेंड करूंगे। इसको जब हम ब्लेंड करेंगे तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएंगे, ब्लेंड करते हुए ऊपर की तरफ इसको लेके जाएंगे। सेम हम इस आइज पे भी करेंगे, ब्लेंड करते हुए इसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। कर लिया ब्लेंड। अब क्या करेंगे, मेरे पास ये पैलेट है, ये एडियस का रॉकस्टार पैलेट है। तो इससे यहाँ पे जो ये ब्लैक कलर का शेड आप लोग देख रहे हैं इसको लेके मैं इस काजल को ब्लेंड कर दूंगी, ताकि ये बाद में स्मच ना करे। इसमें भी एक मिरर है। ये इवनली स्प्रेड हो गया है पूरे लिड पे। अब मैं क्या करूँगी, ये दूसरा एक पेंसिल ब्रश लूँगी। लेने के बाद यहाँ पे जो ये ब्राउन सा एक शेड है ना, इसको मैं क्रीज लाइन पे अप्लाई करूँगी।
इससे क्या होगा कि एक ट्रांजिशन शेड्स मतलब क्रिएट होगा। इस कलर को मैं ब्लैक कलर के साथ मर्ज कर दूँगी अच्छे से ब्लेंड करते हुए। और हाँ, ब्लेंडिंग के टाइम आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें और इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करें। अगर ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी ना तो बहुत ज़्यादा हार्श लाइन क्रिएट होगा जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो सेम मैं दूसरी आँखों पे भी अप्लाई कर दूँगी। इसको भी मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। अभी मैं क्या करूँगी, एक क्लीन फ्लफी ब्रश से मैं अपने क्रीज पे अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूँगी ताकि जितने भी हार्श लाइन या एजेस है वो ब्लेंडेबल लगे। अभी काफ़ी हद तक ये ब्लेंड हो गया है, ये लग चुका है। अभी क्या करूँगी, ये जो लाइट ब्राउन सा शेड है इसको मैं अपने क्रीज से थोड़ा सा ऊपर अप्लाई कर दूँगी। इसके साथ ये वाला शेड भी थोड़ा सा लेते हुए मैं अपने क्रीज के ऊपर इसे प्लेस कर दूँगी, प्लेस करके ब्लेंड करती रहूँगी ताकि एक ट्रांजिशन शेप क्रिएट हो गया। दोनों आँखों पे अच्छी तरह से अप्लाई हो गया है। अभी मैं क्या करूँगी, मैंने जो ये ब्लैक कलर स्मज किया था ना इससे, इसी को ही मैं नीचे अपने लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई करूँगी स्मजिंग। मैं पहले थोड़ा सा काजल अप्लाई कर लेती हूँ लोअर लैश लाइन में, कर दूंगी। इसी को मैं अपर लैश लाइन में भी अच्छी तरह से कोट कर दूंगी। हो गया, अब दूसरे वाले में भी करेंगे। मैंने दोनों आँखों पे अच्छी तरह सप्लाई कर दिया है। अब मैं ये वाला स्मचर ब्रश लूँगी एंड देन सेम ब्लैक कलर को लूँगी और लोअर लैश लाइन को भी अच्छी तरह से स्मच कर दूँगी। ये ब्लेंड हो गया है। अब हम ये पेंसिल ब्रश लेंगे एंड देन ये वाला ब्राउन शेड को ब्लैक कलर के नीचे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करते हुए स्मच कर देंगे। हो गया, हो गया अप्लाई। अभी मैं क्या करूँगी, जो आँखों के नीचे पाउडर लगा हुआ है उसे मैं अच्छी तरह से डस्ट ऑफ कर दूँगी। कर लिया क्लीन। अब मैं क्या करूँगी, एक हाइलाइटर लूँगी लेकिन इसको अच्छे से इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लेंगे। तो मैंने इस हाइलाइटर से अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लिया है। ब्लैक स्मोकी आई में इनर कॉर्नर को हाईलाइट करना मस्ट है।
और सेम हाइलाइटर से मैं अपने ब्राउन बोन को भी हाईलाइट कर लूँगी। हो गया। अब मैं लूँगी ये मार्स का आईब्रो किट, इसमें अपने आईब्रोज को फिल कर लूँगी। इसका जो ये ग्रे टाइप का शेड है, ग्रे और ये ब्राउन शेड को मिलाते हुए मैं अपने आईब्रोज को ड्रॉ कर लूँगी। मेरे ब्राउज जो ज़्यादा हार्श लग रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं इसे ब्लेंड कर दूंगी। तो फेस का जो हाइलाइटिंग पार्ट है, मैं उनको भी इस हाइलाइटर से हाइलाइट कर लूँगी। चिक बोन, ब्रिज ऑफ द नोज, सभी को, थोड़ा सा फॉरहेड में भी। तो हाईलाइट मैंने कर लिया है, अब बारी है लिपस्टिक के। तो जो कि हम लोग का आईज बहुत ज़्यादा बोल्ड है, तो मैंने सोचा कि लिप्स को न्यूटी रखें। मैं यहाँ पे एक ये पिंक पीच शेड अप्लाई करूँगी। आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा पिंक लग रहा है, तो थोड़ा सा इसको कोरल में लाने के लिए मैं इसके ऊपर एक रेड कलर का शेड भी अप्लाई करूँगी। तो मेरा मेकअप जो है वो तो डन हो गया, अब मैं इयररिंग पहन लेती हूँ। तो फाइनल लुक कुछ इस तरह से आ रहा है, पता नहीं आप लोग को कैसा लग रहा होगा। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और जो सब्सक्राइब बटन के पास बेल आइकन है उसे भी जरूर हिट कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।